पिछवाड़े से सीखें डाली जाएंगी और नाक से निकाली जाएंगी। गरम तेल हमारे पिछवाड़े से डाला जाएगा और हमारे नाक से निकाला जाएगा। हिंदुस्तान में देखिएगा ना, हिंदुस्तान में देखिएगा कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। कहते हो कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए ना कि बीवियां भी दो बंदे रखें, फिर ठीक है। बंदे बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना, कि हम दो बंदे रखें। व्यूअर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुरका, स्कार्फ का जिक्र है। वो तो बड़े खुश थे मोदी जी से गले लग लग करके, तो मतलब कितनी खुशियां उन लोगों को हो रही थी, सारे शेखों को, वो तो पूरी दुनिया देख रही थी। पर एक सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके खामंद आपकी इजाजत तो है ही नहीं वैसे भी अब, और अगर आपके खामंद दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे? कर लेना फिर, हम लोग भी दूसरे ढूंढ लेंगे, यही हो सकता है। जय दोस्तों, जय श्री राम। सलूट है हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी को, जो इतना बेखौफ बोलती है, और बेखौफ इसलिए बोलती है क्योंकि ये भारत में आती है। अगर होती पाकिस्तान में तो सबसे पहले बात तो भाई बोल भी नहीं पाती, अगर बोल भी देती तो ये भी नहीं पता लगता कि डेड बॉडी गई कहां पे। अभी जो वीडियो आई है इजिप्ट से आई, इजिप्ट ने जो अबाया है, बुरखा है, वो बैन कर दिया है, तो उसके ऊपर भारत के अंदर भी खूब भाई आप लोगों ने देखा कि आंदोलन वगैरह ये सड़कों पर आते रहते हैं। तो क्यों जरूरी है ये और इसकी क्या कहानी है वो देखिए आप लोग, क्या राय कमेंट में रखें, और सलूट हमारी बहन को दोबारा, फिर से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं उन मुसलमान पिता से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बेटी के बिस्तर पर तीन और औरतों के साथ अपने दामाद को देखना पसंद करेंगे? ग्रेट। मैं उस भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बहन का हलाला अपनी बहन के ससुर से करवाना पसंद करेंगे? मैं उस मामू से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी भांजी का निकाह मुत्ता किसी मर्द से एक घंटे के लिए करवाना पसंद करेंगे? मैं उस बेटी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने दूर के मामू के बिस्तर का सामान बनना पसंद करेंगी? मैं उस भांजी से पूछना चाहती हूँ, मुसलमान भांजी से, कि क्या खाला के मर जाने पर आप अपने खालू से शादी करना, निकाह करना पसंद करेंगी? तो भाई अगर कोई कुप्रथाएं हैं इस्लामिक किताब में तो उसको चेंज करने में प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्योंकि कड़क नहीं बोलने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि बातें लोगों को ना समझ में नहीं आती, और ये जितने भी मुसलमान पुरुष है ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है, इन मुल्लियों ने, कि हमारा कुरान कहता है कि औरत जो है वो 100% पाक भी नहीं होती है, इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है, किसी भी औरत को प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो अभी मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, और आपके व्यूअर्स से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे वो सूरह नंबर और पारा नंबर बता दें जिसमें नकाब, हिजाब, अबाया, बुरका, स्कार्फ का जिक्र है। अब ये जो हिजाब के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ते हैं मर्द औरतों को हिजाब पहनाने के लिए, या पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द अपनी हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखे, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखे, अगर मर्द हमारी खूबसूरती को ना देखे, और खूबसूरती और जिस्म की तराश और खराश से अगर मुसलमान मर्द टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए मैं खुद बहुत ज्यादा रिवीलिंग कपड़े के खिलाफ हूँ। मैंने कई बार ये बात भी कही है कि हमारे हिंदुस्तान के बॉलीवुड ने इस चीज की उत्साह दी थी और भारत की संस्कृति को पर कहीं ना कहीं उंगली उठाने का काम किया था, जिस तरीके से बहुत सारी अदाकाराएं और टीवी एक्ट्रेस बॉलीवुड में आम जिंदगी में भी दिखाई देती थी बहुत छोटे छोटे कपड़ों में, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता था और मैं भी इस बारे में बात करती थी। आप इस्लामी नसराती कौंसिल ने इजाजत दे दिया है कि पहली बीवी की इजाजत के बगैर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, फिर आप कब दूसरी शादी करेंगे? भाजी वो इसलिए नहीं कर सकते, जो बच्चे पहले हैं वो किधर जाएंगे, वो बेचारे रुल जाएंगे। मैं तो शादी कर लूंगा तो, पर मुझे बीवी भी गाली देगी, बच्चे भी मेरे गाली देंगे, तो फिर कैसे निजाम चलेगा? ये निजाम फिर छितर खाने वाला बात होगी। ऐसे दूसरी शादी के लिए ना ये इजाजत नहीं देनी चाहिए। मेरी मामू की बेटी है, उसके 8 बच्चे हैं, तो उन्होंने तलाक दे दिए, दूसरी शादी उन्होंने कर ली है। अब जो पहली बीवी है वो क्या करेगी बेचारी? वो बदवामा देगी, 7 बच्चे भी बदवामा देंगे, 8 बच्चे हैं, तो उनको शर्म नहीं आई,
बच्ची को तलाक देते हुए, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहली बीवी को छोड़ के नवी बीवी की तरफ जाएं। नहीं नहीं सर जी, अगर आपकी पहली बीवी कह देती है कि सलाम ने इजाजत दी हुई है चार बीवियों की, तो आप एक और शादी कर लें, फिर आप क्या करेंगे? वो बेटा ना होए इस वजह तो दूसरी शादी कर सकता है, जब बेटा ना हो ना बेटी हो, ये परेशानी हो सकती है। वो भी बीवी से पूछ के फिर शादी कर सकता है, अपनी मर्जी के साथ शादी नहीं कर सकता। ये ना दूसरी शादी सोच समझ के करो, ऐसे ना करो, एक बेटी लाए हैं बर्बाद कर दी, फिर दूसरी ले आओ, फिर तीसरी ले आओ। जिधर मैंने बेटी ब्याही है उसने अब तीन शादियाँ की, तो मैं तो फंस गया ना। तो बेटी दीती है सानू कोई नहीं सी पता, हूँ पता लगा उसकी दूसरी तीसरी शादी है। फिर मैंने बेटी को कहा है बेटे घर बसाओ अपना, ऐसे ना करो, वो चौथी कर ले तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे ना दूसरी तीसरी के चक्कर में ना रहो, एक ही शादी करिए निभाओ। तो आप भी तो सफोकेट होइए, अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? अरे 1500 साल तो हमने इस्लाम संभाल दिया, अब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। तीसरी बात मैं ना आपको बहुत खूबसूरत बात बताने वाली हूँ कि देखिए, आज तक आप कभी नहीं देखिएगा, ना पाकिस्तान में देखिएगा ना हिंदुस्तान में देखिएगा, कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। ये कभी महिलाएं नहीं करती, मेरा तलाक होने दो, मेरा तलाक होने दो, मेरा मेरा पॉलीगेमी होने दो, मेरा हलाला होने दो, मेरा निकाह मुत्ता होने दो। ये रैली कभी देखा है आपने? ये मीटिंग कभी देखा है आपने? मुझे 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 चार बीवियां रखने वाला ही हस्बैंड चाहिए, शौहर चाहिए, काबिल चाहिए, ये कभी कोई औरत बोल सकती है? अच्छा ये हमें चूरन बांटते हैं कि पहली बीवी की इजाजत से हम दूसरी बीवी लाते हैं। भाई जो मर्द ये बोल रहा है, क्या उसके वालिद साहब उसकी माँ की इजाजत से दूसरी बीवी ला सकते हैं? उसको चेंज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने इस्लाम से मोहब्बत करें, मैं अपने इस्लाम से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे ये अथॉरिटी नहीं दी गई है और मैं खुद को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डालने वाली नहीं होती हूँ कि मैं किसी और रिलीजन को बुरा बोलूं और हर रोज 5 बार बोलूं और लाउड स्पीकर पर बोलूं। थैंक यू हमारी बहन भारत की बेटी नाजिया अली खान जी। देखिए भाई, अब आप लोग इसको कह सकते हो मेरी बकवास, ठीक है। लास्ट वीडियो पे एक भाई साहब का कमेंट आ रहा था, टाइम लिख रखा है बतौर कि अब हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। तो वही जिस बंदे को बकवास सुन रहा है वो रह जाओ, नहीं आप लोगों से हाथ जोड़कर बिना प्रार्थना है आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं एक मिनट अपनी बकवास ही करूँगा। देखिए जो इस्लाम धर्म बनाया था, नींव रखी थी, यानी कि धर्म कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जिसने बनाया है, बुद्ध है और जैन है, महात्मा बुद्ध जी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी कि मनुष्य की समस्याओं का कारण है इच्छा। यानी कि आपको एक चीज मिल जाती है, फिर आप बोलते हो नहीं इसमें कारण मेरे को एक रूपर मिले, तो यानी कि एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है। तो कोई भी धर्म है, धर्म गलत नहीं होता, उसको चलाने वाले इंसान गलत होते हैं। तो जो इस्लाम है वो भाई मौलवी मुल्लाओं ने अपनी जरूरत और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने उस राह पर चला रहे। अब आप एक छोटा एग्जाम्पल समझिए कि जो मौलवी मुल्ला ने बोलते हैं कि आप जिहाद करो, आप काफिरों को मारो, आपको जन्नत मिलेगी, मरने के बाद भाई कौन आया है बताने? एक बार आप बता दो, जो सपने होते भाई वो सच नहीं होते। आंख बंद करके सपना देखा हुआ सच कभी भी नहीं होता, खुले आंखों के सपने साकार होते हैं, आंख बंद का तो साकार भी नहीं होता। तो ये सभी के सभी एक बेबुनियाद चीजें होती हैं कि आपको 72 हूरें मिलेंगी, आपको ये मिलेगा। आप आवाया, मैं पूरी वीडियो लिंक देता हूँ, जो हमारी बहन नाजिया अली खान है बड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं जो इस्लाम है, और मैं बोलता हूँ दावे के साथ ये प्रचार करते हैं, यानी कि अच्छा ही चीजें बताते हैं इस्लाम की। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जय जवाहर जय श्री राम।